हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है फैक्ट फ्लैगर के इस चैनल पर। भारत सरकार के द्वारा आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए एक सबसे बड़ा फैसला लिया गया है और अब इंडियन आर्मी के द्वारा नियरली 500 पैरा कमांडोस की यूनिट को तैनात किया जाएगा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, जहां पर ये साउथ कश्मीर में डिप्लॉयड होकर पाकिस्तान के द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद का जोर से सामना करेंगे और उनको एक ऐसा सबक सिखाएंगे जिससे कि वो फिर से भारत की सीमा पर आने का प्रवेश ना कर सकें। और ये जानकारी दी गई है इंडियन आर्मी के द्वारा। उन्होंने कहा है कि हम एक्स्ट्रा 3000 की इन्फेंट्री फोर्स को जम्मू कश्मीर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, साथ ही साथ 500 पैरा कमांडोज की यूनिट को आपका साउथ कश्मीर में भेज रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान के लॉन्च पैड पर जो लगभग 50 से लेकर 55 आतंकवादी तैयार हैं भारत की सीमा में आने के लिए, उनका खात्मा हो सके। और अगर जरूरत पड़ेगी तो भारतीय सेना और हमारे पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो पाकिस्तान के अंदर घुसकर भी उन आतंकवादियों और उनके लॉन्च पैड्स को तबाह करेगी। हम जानते हैं कि भारत में लगातार आपके हमले होते जा रहे हैं, जिसको लेकर भारत सरकार काफी चिंतित है और इस कारण से अब एक्स्ट्रा 3500 से लेकर 4000 पर्सनल को आपका लगाया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं 2020 में जब भारत और चीन के बीच में गलवान वैली का इशू हुआ था, तो हमने मेनली जम्मू से अपनी फोर्सेस को हटाकर आपके लद्दाख में लगा दिया था, जिससे कि टेररिस्ट अब उसका फायदा उठा रहे हैं और जम्मू में मेनली हमला करते जा रहे हैं। इन हमले को रोकने के लिए अब इंडियन आर्मी, राष्ट्रीय राइफल्स, इन्फेंट्री और हमारी पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ तैयार है। साथ ही साथ 19 और 20 जुलाई को लगातार 2 और 3 हाई लेवल मीटिंग्स आपकी कंडक्ट की गई, जिसमें प्रधानमंत्री ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीट को चेयर किया और कहा कि हमको फुल डिप्लॉयमेंट के साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख में डिप्लॉयड अपने फोर्सेस को करना है, जिससे कि हम अपने क्षेत्र, अपने नागरिक, अपने सैनिकों की सुरक्षा सही तरीके से कर सकें। आप सभी को पता है पिछले कई सालों से लगातार हमारे इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय पर, हमारे नागरिकों पर टारगेटेड हमला हो रहा है और इस हमले में पिछले एक साल में 50 से अधिक हमारे इंडियन आर्मी के जवान मारे गए हैं। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से रईसी में जो है हमारे श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ, इसको लेकर जो है पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 7 फरवरी से लेकर अभी तक 14 जुलाई तक लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, जिसमें कभी हमारे 5 सेना के जवान, कभी 4 आर्मी लेवल के जितने भी हमारे अधिकारी हैं, सैनिक हैं, सभी आपके शहीद हो रहे हैं। और इस कारण से अब ये एक कठोर निर्णय लिया गया है कि पैरा सबको हम डिप्लॉय करेंगे, जिनको हंटर किलर के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का जो इलाका है काफ़ी एक प्रकार से फॉरेस्ट डेंस है और जहां पर पाकिस्तान और भारत का विवाद सीमाओं पर बना रहता है। ये कोई विवाद नया नहीं है। 2019 में भारत सरकार के द्वारा मोदी गवर्नमेंट ने जो है आपके आर्टिकल 370-35A को हटाकर एक नया नक्शा पेश किया और अब इस तरीके से आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देख पा रहे हो। 370 के हटने के बाद काफ़ी शांति आई है, लेकिन पाकिस्तान हम सभी जानते हैं कि एक नासूर देश है और भारत की सीमाओं पर घुसपैठ कराने के लिए वो आतंकवादियों को तैयार करता है। जिहाद इस्लाम के नाम पर जो है भारत में वो खूनों खराबा कराता रहता है। तो इस प्रकार से जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसको हम LOC कहा करते हैं, वहां पर सीज फायर तो है, लेकिन सीज फायर की आड़ में पाकिस्तान लगातार अपने आतंकवादियों को भारत में आपका भेज रहा है। ये आतंकवादी काफ़ी ट्रेंड हैं, इसी कारण से हमने अपने पैरा स्पेशल फोर्सेस की यूनिट लगाई है। हमारे इंडियन आर्मी जो एक्सपर्ट हैं वो कहा करते हैं कि अगर भविष्य में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में फुल फ्लेज वॉर होती है, तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, भारत उसको पूरी तरीके से कंट्रोल और तबाह करने में सक्षम है। आपको याद होगा 2016 में भारत के द्वारा पाकिस्तान में घुसकर हमला किया गया था, जिसमें लगभग 40 के करीब आतंकवादी लॉन्च पैड पर मारे गए थे। और अब भारत को इसी प्रकार का कुछ एक अदम्य साहस, वीरता भरा कार्य करना होगा, जिसके लिए हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है। आपको याद होगा फरवरी 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ, तो भारत ने यह निर्णय किया कि हमको पाकिस्तान के आतंकवाद की कमर को तोड़ना है और इस कारण से हमने एयर स्ट्राइक बालाकोट में की थी, जहां पर लगभग 300 के करीब आतंकवादियों को भारतीय वायुसेना के द्वारा मार गिराया गया था और उसमें अभिनंदन वर्धमान को जो है आपका वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। इंडियन आर्मी ने
अपने आर्टिलरी की मदद से पाकिस्तान के कई बंकर्स भी तबाह किए हैं, और हमको चाहिए कि एक बार फिर से इंडियन आर्मी अपने बोफोर्स तो अपने M777 होविजर गन का इस्तेमाल करे, जिससे कि पाकिस्तान के लॉन्च पैड और उनके आर्मी को हम डिस्ट्रॉय कर सकें। बात करते हैं पैरा स्पेशल फोर्सेस की। तो पैरा स्पेशल फोर्सेस का गठन 1 जुलाई 1966 में किया गया था। इनमें के पास टोटल 15 बटालियंस हैं। एक बटालियन में लगभग 800 के करीब जवान रहा करते हैं। ये पैराशूट रेजिमेंट के पार्ट हैं। इनका हेडक्वार्टर बेंगलोर के बेंगलुरु कैंटोनमेंट में है। इनका मोटो मैन अपार्ट एवरी मैन एंड एम्परर, यानी कि शत्रुजीत द कंक्यूरर रखा गया है, और इनको ध गोस्ट भी कहा जाता है। भारत पाकिस्तान के रिश्ते हम जानते हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं। भारत से ही पाकिस्तान निकला है, इसलिए हम कहते हैं कि वो हमारे बेटे हैं और हम उनके बाप हैं, लेकिन बेटा इतना खराब हो जाएगा ये हमने कभी कल्पना नहीं की थी। 1947 से लेकर अभी तक लगातार ये हम पर परोक्ष और अपरोक्ष रूप से हमले करते जा रहे हैं, और भारत को चाहिए कि इस नामुराद नासूर नापाक पाकिस्तान को पूरी तरीके से हम तबाह कर दें, तभी तो भारत में चैन शांति आ सकेगी। टेररिस्ट पूरी तरीके से तैयार हैं कि कश्मीर में वो जो है उत्पात आपका करें, और पाकिस्तान उनको फंड भी आपका दे रहा है। वो पाकिस्तान जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन ये आतंकवाद को समर्थन दिया करते हैं। तो इस पर जो है हमारी सेना काफ़ी मुखर होकर आगे बढ़ेगी। अब हम जानते हैं कि आज के सेशन में मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई क्वेश्चन किस प्रकार से रखा है। तो चलिए, आपको आइडेंटिफाई करना है इस गन को। जी हाँ, हमारे पैरा स्पेशल फोर्सेस के द्वारा इस गन का यूज़ किया जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके कमेंट्स को मैं देखूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है।